नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिरसा न्यूज चैनल। इस वक्त हम नवीनगर प्रखंड में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं नवीनगर के एक चाय दुकान पे आए हैं और यहाँ पे हम आए हैं। आप चलिए जानते हैं कि चुनाव की सरगर्मी कितना तेज है, कितना गर्म है। यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है, लेकिन इस दौरान चुनाव की सरगर्मी बहुत ही गर्म दिख रही है। आइए यहाँ से लोगों से जानते हैं कि यहाँ के चुनाव की क्या माहौल है। क्या नाम है चाचा? लल्लू दुबे। कहाँ पे घर है? शनिचर बाजार। शनिचर बाजार। क्या यहाँ पे चुनाव में इस बार क्या चलेगा? क्या चलेगा? कुछ नहीं। कुछ नहीं ना। नोटा चलेगा? नोटा को जो हमारा कुछ ना बुझाता है। विकास के नाम पे यहाँ पे वोट चलेगा या खाली जाति के नाम पे दीजिएगा वोट? यहाँ पर विकास के नाम पर वोट चलेगा। विकास के नाम पे? विकास के नाम पर। तो जो अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष पद पे हैं, क्या उन्होंने विकास नहीं किया है? करने किया है। किए हैं। उन्हीं के विकास कार्यों पे आप वोट देंगे? वोट देंगे। क्या नाम है? राजेश तिवारी। राजेश तिवारी। कहाँ पे घर है? तिल्हापुर। तिल्हापुर। यहाँ पे चुनाव की सरगर्मी क्या लग रही है? किस मुद्दे पे यहाँ पे लोग जनता देगी वोट? जो विकास किया है उसको मतदान मिलेगा। जो विकास के नाम पे वोट देंगे। और यहाँ पे क्या क्या समस्या, आप लोग क्या क्या समस्या लगती है? जो समस्याएं थी अभी कुछ पूरा हुआ है, कुछ अधूरा भी है। क्या नाम है बाबा? राजेंद्र जाधव। यही पे घर है? हाँ, नगर पंचायत में है। आपकी किस मुद्दे पे आप वोट दीजिएगा? विकास के मुद्दे पर। विकास के मुद्दे पर? जो काम किया है उसको वोट देंगे। क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पे? समस्याएं तो बहुत कुछ सुलझ रहा है, नली गली रोड यही सब समस्या है। तो क्या वर्तमान में जो अध्यक्ष पद पे उन्होंने इस समस्या को खत्म नहीं किया? लगल है कुछ किए है, कुछ बाकी है, कुछ किए। क्या नाम है आपका? संजय सिंह। इस बार भी आप लोग जाति पे वोट दीजिएगा या जाति पे? विकास पे। कहा जाता है कि बिहार में लोग जाति पे वोट देते हैं। वो ऐसा नहीं है जी। बहुत अब चेंजिंग हो रहा है यहाँ। जाति कोई चीज नहीं है, जो विकास करेगा उसका सपोर्ट करेगा आदमी। क्या लगता है आप खुल कर बोलिए ना थोड़ा, कौन आगे आ रहा है? वो अभी तो कुछ बताया ना जा सकता है। अभी तो कौन आ रहा है, किसको, मतलब हर जनता अपना मन बना लिया है कि मतलब हम भाई किसको देना है, वो तो अपना देखिए क्या होता है। तो आप देख रहे थे, हम नवीनगर प्रखंड के चाय के टपरी पे मौजूद थे और जनता के बीच हम जाकर जनता की जो जो समस्याएं हैं और जनता किस माइंडसेट में है, जनता किस ओर जा रही है, उन सभी चीज़ों को हम आपके सामने रखें। आप लगातार हमें कमेंट करते रहिए अपनी समस्याओं को लेकर। आप किस नेता से आप उन समस्याओं को समाधान चाहते हैं, हम उन सभी नेताओं से जाकर आपकी कमेंट में जो भी समस्या रहेगी उन सभी समस्याओं को लेकर उनसे हम बात करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए।